राजधानी दिल्ली का हजरत निजामुद्दीन इलाका मंगलवार सुबह के करीब 10:25 पर अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। इलाके में ये खबर आग की तरह फैल गई कि किसी शख्स ने शाइना नाम की महिला को गोलियों से भून दिया है, साथ ही उसके नौकर शहादत को भी गोलियां मारी गई हैं। मौका ए वारदात पर पहुंची पुलिस ने देखा कि शाइना की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जबकि उसके घायल नौकर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शाइना की मौत की खबर जैसे ही इलाके में फैली, लोगों को भरोसा ही नहीं हुआ कि जिस शाइना की दहशत पूरे इलाके में थी, उसकी हत्या उसके ही चौथे पति वसीम ने कर दी है, जबकि उसके साथ मौजूद शहादत का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस को मौके से ही सीसीटीवी के जरिए देखने को मिला कि वसीम के पास 2 पिस्तौल थी और वो लगातार शाइना पर गोलियां बरसा रहा था। इस बीच जब शाइना का नौकर बीच बचाव में सामने आया तो वसीम ने उसे भी गोली मार दी। सवाल ये है कि आखिर शाइना कौन है? शाइना के चौथे पति ने उसे गोली क्यों मार दी? ड्रग की दुनिया में शाइना का कितना दबदबा था? दरअसल 29 साल की शाइना ने अब तक 4 शादियां की थीं। उसके पहले और दूसरे पति उसको छोड़कर बांग्लादेश चले गए थे, जिसके बाद शाइना ने तीसरी शादी की दिल्ली में नशे के कारोबार का किंग माने जाने वाले शराफत शेख से की थी, जिसको दिल्ली NCR में ड्रग लॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। शराफत शेख के आपराधिक इतिहास में NSA, NDPS जैसे 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। शराफत शेख का ड्रग्स की दुनिया में बहुत अधिक दबदबा है। उसका खौफ इलाके में इतना था कि पुलिस भी दबिश डालने में परहेज करती थी। बढ़ती उम्र के साथ शराफत को एक साथी की जरूरत थी, एक तेज तर्रार साथी की, लिहाजा उसने शाइना से शादी कर ली थी। शादी के कुछ वक्त बाद दिल्ली पुलिस ने शराफत को NDPS एक्ट में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शराफत शेख के जेल में जाने के बाद शाइना ने अभी 1 साल पहले ही वसीम नाम के शख्स से शादी कर ली थी। दोनों की शादी को कुछ वक्त ही हुआ था कि दिल्ली पुलिस ने शाइना को ड्रग्स की तस्करी के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ड्रग्स की तस्करी के मामले में अब शराफत शेख और उसकी बीवी शाइना दोनों ही तिहाड़ जेल में थे। शाइना जेल में थी, इसी बीच उसके चौथे पति वसीम का दिल उसकी बहन रेहाना से लग गया। रेहाना और वसीम एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। शाइना की गैर मौजूदगी में दोनों के बीच संबंध भी बन गए थे। अभी ज्यादा वक्त भी नहीं गुजरा था कि शाइना को 8 महीने की गर्भवती होने की वजह से 24 अप्रैल को जेल से पैरोल पर छोड़ दिया गया। शाइना के जेल से छूटने के बाद उसने वसीम का बदला हुआ रवैया देखा। जेल से छूटने के बाद वसीम ने शाइना से ठीक से मुलाकात भी न की। इसी बीच शाइना को इस बात की खबर लगी कि वसीम और रेहाना के बीच उसकी गैर मौजूदगी में बेइंतहा प्यार के रिश्ते बन चुके हैं। इस बात को लेकर शाइना और वसीम में कई बार झगड़ा हुआ और यह झगड़ा नफरतों की सारी हदें पार कर चुका था। शाइना को अपने और रेहाना के बीच रुकावट बनते देख वसीम ने शाइना को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया और 27 अप्रैल को सुबह 10:40 पर जब शाइना अपने नौकर शहादत के साथ घर के बाहर बैठी हुई थी, तभी वसीम ने पिस्तौल निकालकर पहले शहादत को 1 गोली मारी, उसके बाद शाइना को 5 गोली मारी। प्लान के मुताबिक वसीम किसी भी हालत में शाइना को जिंदा छोड़ना नहीं चाहता था। यही वजह थी कि वो अपने साथ 2 पिस्तौल लेकर आया था। पहली पिस्तौल से 1 गोली चली, जबकि उसके बाद पिस्तौल में गोली फंस गई। इसी बीच वसीम ने दूसरी पिस्तौल निकाली और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए शाइना को मौत के घाट उतार दिया। कत्ल के वक्त वसीम बेहद सहज नजर आ रहा था। वो तब तक वहां से नहीं किया जब तक उसने इस बात की तस्दीक नहीं कर ली कि शाइना की मौत हो चुकी है। कत्ल करने के बाद दोनों पिस्तौल अपने हाथ में लिए हुए वसीम सीधे निजामुद्दीन थाने की दहलीज पर पहुंच गया और उसने थाने के पुलिसकर्मियों को कत्ल की पूरी जानकारी दी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी वसीम का अभी तक कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है। पुलिस इस हत्याकांड में रेहाना की भूमिका की भी जांच कर रही है। जांच इस बात की भी हो रही है कि कहीं शराफत शेख के जेल जाने के बाद और शाइना की मौत नशे के बड़े सिंडिकेट पर कब्जे की साजिश तो नहीं है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर, और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।